अगर कोई फीमेल फिंगरिंग करती है, मतलब उंगली करती है अपनी वजायना में, मास्टरबेट करती है और खुद को प्लेजर महसूस कराती है, तो उससे उसकी वजायना के साइज में कोई फर्क पड़ता है क्या? वो चौड़ी हो जाती है? कोई फीमेल अगर खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए चाहे फिंगरिंग करे या फिर वो चाहे किसी सेक्स टॉय का यूज करे, इससे उसकी वजाइना के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई ढीली नहीं होती। जब तक कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, वो अपनी वजाइना में से एक बच्चा बाहर नहीं निकालती, उसकी वजाइना के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंस आता है, वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद ही आता है, जो किसी फीमेल की वजाइना थोड़ी लूज हो जाती है, वो पहले जैसी नहीं रहती। तो फिंगरिंग करने से, मैस्टरबेट करने से वजाइना के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आप इसे रेगुलरिटी से करते हैं, फ्रिक्वेंटली करते हैं, जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन जरूर हो सकता है। इट मीन्स अगर कोई फीमेल फ्रिक्वेंटली दिन में 3 से 4 बार फिंगरिंग कर रही है, तो इससे उसको इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर वो खुद को प्लेजर देने के लिए सेक्स टॉय का भी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भी इस्तेमाल वो कुछ ज्यादा कर रही है, तो हो सकता है इन फ्यूचर उसको, जब वो रियल में अपने पार्टनर के साथ रियल सेक्स करे, तो वो रियल टॉय के साथ उसे वो वाला फील ना आए जो आना चाहिए, क्योंकि आप उस सेक्स टॉय के ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है जैसे कोई मेल जब मैस्टरबेट करता है, हैंड प्रैक्टिस करता है, तो वो मुट्ठी का इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है कि उसे फीमेल वजाइना के साथ वो प्लेजर आता ही नहीं है, उसके लिए वजाइना बेकार हो जाती है बिल्कुल, उसे वो मजा ही नहीं आता। वो कर भी ले तो बाद में उसे मुट्ठी मारनी पड़ती है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो प्लेजर हासिल करने के लिए। इसलिए किसी भी चीज को करो तो अति मत करो, उसके एडिक्टेड मत बनो। अगर आपको मैस्टरबेट करके खुद को प्लेजर देने का मन करता है तो कीजिए, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। अब एक चीज और, जो लोग कहते हैं कि किसी फीमेल का मैस्टरबेट करना, खुद को फिंगरिंग करना क्या है, सही है, ये गलत नहीं है, वो एक लड़की है, तो खुद को प्लेजर देने का, अपने शरीर को सुख पहुंचाने का, ये उसका अपना राइट है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। अपने शरीर की जानकारी रखना, उसकी जरूरतों को समझना, अपने शरीर को प्लेजर देना, ये गलत नहीं है। आप फ्यूचर में जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो, तो आप अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को उसको समझा सकते हो। वो वाली चीजें तो नहीं होगी आपके साथ, ये अंतर्यामी बन के मुझे खुद समझता रहे, उसको भी आसान करो, खुद भी अपने आप को आसान रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनो। जब तक आपको अपने बारे में नहीं पता होगा, आप उसे कैसे समझाओगे कि आपको क्या चाहिए? अगर आपने पहले क्लिट स्टिमुलेशन को एंजॉय किया, खुद से खुद को, खुद के क्लिट को सहला के प्लेजर उठाया है, और आपको इसमें ज्यादा मजा आता है, बोल के तो देखो बाद में उसे कि यार मुझे यहाँ पे ऐसे टच करते हो ना, तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं क्रेजी हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ, देखो उसे कितना अच्छा लगेगा। इससे ये भी उसके अंदर चाह डेवलप होगी कि मेरी जो पार्टनर है, मुझे बताकर चलती हूँ उसे क्या चाहिए, वो मेरे अंदर इंटरेस्ट लेती है, उसे अच्छा लगता है। हमेशा यही क्यों सोचते हो कि अगर मैं इसे ऐसा कुछ बोलूंगी तो ये मेरे ऊपर शक करेगा कि यार ये किसी से इसका था। हमेशा नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव भी तो हो सकता है, ये वो ये भी तो सोच सकता है इसे मुझसे ही चाहिए, तभी तो मुझे बोल रही है। अगर मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती तो शायद मुझे ना बोलती और कहीं बाहर जाके कुछ करा रही होती, मुझे कौन सा पता लगता है इसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। वो ये मुझे इन सब चीजों के लिए कैपेबल समझती है तभी तो मुझे बोल रही है, वो ये भी तो सोच सकता है ना। लेकिन ये आपको पता कैसे लगेगा? जब तक आप अपनी, अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने शरीर की जरूरतों को नहीं पहचानोगे, तभी तो आप उसे बोल पाओगे। सिंपल। तो थोड़ा दूसरा नजरिया भी डेवलप करो चीजों को देखने का, एक ही तरीके से हर चीज को मत आंका करो। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई बड़ा चौड़ा लंबा कुछ बताने का इसमें था नहीं। फीमेल मैस्टरबेशन के ऊपर तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर किसी के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, और उनके ऊपर बस लेक्चर लंबा खींचे जाओ तो कोई उसका मतलब नहीं बनता। जो आपने मुझसे पूछा उसमें इतनी ही डिटेल दी जा सकती थी, ना मैंने अपना टाइम खराब किया ना आप लोगों का। और एक चीज, यस वही बोलने वाली हूँ, लाइफस्टाइल चैनल पे मैंने अपने ब्लॉग डालने शुरू करे हैं। आप चाहे तो मुझे एक नए अंदाज में मेरे ब्लॉग चैनल पर, जो कि लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली के नाम से है, उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप इस व्हाइट बोर्ड से बोर हो चुके हो ना, तो मेरे लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली उस चैनल पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हो, जहां पे आपको नए नए व्यू देखने को मिलेंगे। ब्लॉग है, मोटिवेशनल ब्लॉग मैं बनाती हूँ,
बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ, लोगों को दिखाती हूँ। देखिए जाके उस चैनल को विजिट कीजिए। लिंक अगर नहीं मिलता है किसी ब्लॉग का तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी मुझसे पूछेगा मुझे लिंक दो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि उस चैनल को रन करवाना है, वो काफी टाइम से ठप हो रखा है, उसके नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंचते, तो मुझे हर वीडियो में अपने उस चैनल का प्रचार करना पड़ता है। अदरवाइज आप जानते हो कि मैं इतना नहीं बोलती हूँ जाके फॉलो करो सब्सक्राइब करो, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि जो लोग बस चाहते हैं ब्लॉग देखना उन तक भी नोटिफिकेशन नहीं जा पाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको। राइट, चलिए बाय बाय।